हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं, ये आप देख ही सकते हैं, वुलन तोरण बनाने वाली हूँ जो डोर में हम टंगाते हैं। सो ये एक्चुअली मार्केट में तो अवेलेबल होता है, लेकिन अगर हम अपने हाथों से बनाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो इसके लिए मैंने ये वूल लिया है जो कि अभी विंटर में हर एक के घर में अवेलेबल होता है। सो सबसे पहले मैं इसे लाइक हैंड में इस तरह से राउंड करने वाली हूँ अराउंड 30 to 35 टाइम्स। सो इसी तरह से राउंड करते रहना है। सो ये अब ऑलमोस्ट राउंड हो गया है। सो अब मैं इसे मिडिल में वूल से इसे अच्छी तरह टाइटली नॉट कर देना है और अच्छी तरह से टाइटली इसे बांध देना है। और लाइक कि ये खुल ना जाए, लाइक जितना हो सके इसे टाइटली बांधना है। फिर बांधने के बाद हम देख ही सकते हैं ये कैसा लग रहा है। अब मिडिल में इसे हम सीजर के हेल्प से इस तरह से हम लोग काटेंगे, लाइक कट करेंगे। इसके लिए आपका जो सीजर है ये थोड़ा शार्प रहना चाहिए। सो इस तरह से अच्छी तरह से हम इसे काटेंगे। फूल की तरह हमें बनाना है, लाइक इस तरह का ये शेप आ जाएगा। इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से सर्कल शेप में कट करना है, लाइक बहुत फाइन शेप में कट करना है, छोटे शेप में। सो इस तरह से हमें छोटे फूल की तरह लाइक सर्कल शेप में काटते रहना है। अब इसे काटने के बाद इसे बीच बीच में ट्रिमिंग करते रहना है कि कोई छोटा बड़ा ना रह जाए। और इसे हाथ में अच्छी तरह से इस तरह घुसा के उसके बाद थोड़ा लाइक रैप कर देना है, और ताकि ये थोड़ा फ्लफी हो जाए। और इसे इस तरह से ट्रिम करते रहना है। सो आप देख ही सकते हैं ये किस तरह फूल की तरह लग रहा है। और अब मेरा सेकेंड पॉम-पॉम मैं बना रही हूँ ग्रीन कलर का। सो आप कोई भी कलर ले सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। सो अब मैं सेकेंड पॉम-पॉम ऐसे बना रही हूँ। सो ये अगेन ऐसे राउंड कर लेना है और बहुत टाइटली बांध देना है इसे। और उसके बाद जब ये टाइटली अच्छी तरह से बन जाए, देन इसे सीजर की हेल्प से इसे कट करना है। लाइक इट विल लुक लाइक फ्लावर। सो इसे इस तरह से अच्छी तरह से हमने काट लिया। अब इसे सर्कल शेप में हमें ऐसे घुमाते घुमाते काटते रहना है। और जब सर्कल शेप में कट जाए तो इसे थोड़ा थोड़ा करके ट्रिम करना है। लाइक अगर आप अपने घर हाथों से कुछ सामान बना के घर को सजाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये सब चीज़ तो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं बना बनाए, लेकिन अगर अपने हाथ से बनाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैंने इतने सारे पॉम-पॉम बना के रख लिया है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका डोर कितना लंबा है और आपको कितनी लंबाई की चाहिए। सो मैंने ये अराउंड 60 to 65 बना लिया है। सो अब मैं जो स्ट्रिंग है, जो वूल की स्ट्रिंग है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रख लिया है। 1 इज़ ग्रीन, 1 इज़ येलो एंड अनदर 1 इज़ अगेन ग्रीन। सो अब हमें इस तरह से अच्छी तरह से लाइक स्ट्रिंग भी डिपेंड करता है आपकी डोर कितना ज़्यादा लंबा है। सो ये इस तरह मैंने अपने डोर के हिसाब से काटा है। सो अब हमें इसे टाई करना है, जैसे हम अपने बालों को टाई करते हैं इसी तरह से हमें इसे अच्छी तरह से टाई करना है। ज़्यादा जोर से टाइटली ज़्यादा टाई नहीं करना है, इसे इस तरह से हमें टाई करना है। ये बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। सो इस तरह से मैं अभी पूरे जितने मैंने स्ट्रिंग लिए हैं इसे मैं टाई कर रही हूँ, जैसे हम बाल को टाई करते हैं उसी तरह। इस तरह से मैंने अच्छी तरह से पूरा स्ट्रिंग टाई कर लिया है और ये ऑलमोस्ट डन हो गया है टाई करना। इसीलिए मैं उसके एंड पॉइंट को अच्छी तरह से बांध दे रही हूँ ताकि ये टाई जो है मैंने किया है वो खुल ना जाए। इस तरह से एक स्ट्रिंग तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं दो स्ट्रिंग बनाना है हमें। इधर मैंने उसी ही तरह से दो स्ट्रिंग बना लिया है और अब ये दोनों स्ट्रिंग को अच्छी तरह पैरेलली रख देना है और एक नीडल की हेल्प से इसके जो मिडिल पॉइंट है उसे हमें ऐसे ही इसे सिलाई करके एक दूसरे से जोड़ देना है। अब मैं इसे नीडल के हेल्प से इसे टाई कर रही हूँ। इन दोनों को अच्छी तरह पैरेलली रखना है। इसे पैरेलली रखने से ये जो मिडिल में है ये टाई हो जाते हैं अच्छी तरह से। ये ऑलमोस्ट अभी टाई हो गया है। अब मैं इसे काट दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा टाई हुआ है। अब मैं अनदर अगेन नीडल ली हूँ और अब मैं ये पर्ल जो लिया है, ये बीड्स कहीं पे भी मिल जाते हैं, वॉलमार्ट, डॉलर ट्री, आप कहीं से भी आप मिल जाते हैं और इंडिया में भी किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप में मिल जाएगा। अब मैं एक एक जो पर्ल है इसे डाल रही हूँ और ठीक मिडिल में जहाँ पे हमने इसे जो दो स्ट्रिंग है इसे टाई किया था। अब मैं उसकी नीडल के हेल्प से उसके मिडिल में जो बीड्स है उसे डाल रही हूँ। इससे बीड्स इज़ नॉट नेसेसरी बट इससे लुक बहुत अच्छा आता है। इस तरह से मैं एक के बाद थोड़ा गैप देना है, ज़्यादा ये में नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा गैप डाल के इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से सिलाई करना है। बहुत ही इजी है और आप जब इतना मेहनत करके कुछ अच्छा बनाते हो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बहुत बार अपनी चीज़ों को ऐसे ही देखते रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये ऑलमोस्ट ये मेरा हो गया है तैयार और मैं इसे इस तरह से टाई कर ली हूँ और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये रेडी हो गया है। नाउ मैं अब नेक्स्ट कर रही हूँ नीचे और एक पार्ट कर रही हूँ। सो इसे मैं अराउंड 20 इसे मैं राउंड कर रही हूँ और देन कट कर लेना है। और इस तरह से हमें स्ट्रिंग लेना है, डबल स्ट्रिंग लेना है। डबल स्ट्रिंग लेके हमें इस तरह से मिडिल में इसे घुसाना है और देन एंटर करके हमें इसे एक नॉट की तरह बना देना है। सो ये टाइटली ये नॉट बन गया और अब इसे हमें कट कर देना है। सो लाइक दिस, लुकिंग लाइक दिस। सो अब हम इसे लेंगे और इसे इस तरह से मिडिल में इसे टाई करेंगे। ये बहुत ही इजी है। लाइक जब देखने में फर्स्ट टाइम लगता है कि क्या करें, लेकिन जब हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और इस तरह से हमें जो इरेगुलर शेप वाले हैं उसे कट करना है। और अब हमें जो नीचे है ये ट्रिम कर देना है। तो ये एक बेल की तरह हमारा ये बन गया। सो बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं ऐसा चीज़ देखने से। सो अब मैं उसमें जो नीडल है उसे वो जो स्ट्रिंग था उसमें डाल दी हूँ। और इस तरह से मैं अराउंड 5 बीड्स है जो इसे एंटर करवा रही हूँ। सो 5 बीड्स डाल के मैं इसमें अब येलो पॉम पॉम डाल रही हूँ, देन ग्रीन पॉम पॉम डाल रही हूँ। अराउंड मैं 12 पॉम पॉम डाल रही हूँ। लाइक ग्रीन येलो करके। सो इस तरह से मैं 12 पॉम पॉम डाल रही हूँ। और हमें इस तरह के इस शेप के स्ट्रिंग बनाने, लाइक अराउंड मैंने बनाए हैं अराउंड 24। सो इट्स अगेन डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ योर डोर। सो मेरे अराउंड लग रहे हैं 24 स्ट्रिंग। सो मैंने 24 स्ट्रिंग बनाए हैं। और जैसे जैसे ऐसे स्ट्रिंग हम तैयार कर रहे हैं उसमें एक एक पॉम पॉम कम करके हमें कम करते जाना है। जैसे नेक्स्ट स्ट्रिंग मैं अब 11 पॉम पॉम के बनाऊंगी। तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। और अब मैं इसको लेके अब इसके एंड पॉइंट में अब अटैच करूँगी। सो इसके एंड पॉइंट में इस तरह से लाइक एंटर करके इसे टाइट करके इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं डाल के फिर राउंड अप करके मैं इसे कट कर दूंगी। सो इसके बैक डायरेक्शन जो इसके एंड पोर्शन में मैंने 12 पॉम पॉम ऐड किया है। देन उसके साइड में मैं 11 पॉम पॉम ऐड करूंगी। देन 10 और 9 इस तरह से एक टाइम में ये कम हो जाएगा। फिर देन अगेन फ्रॉम द मिडिल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग ये अगेन ये इंक्रीज होते जाएगा। सो इस तरह से मैंने इसे अटैच कर लिया है। सो इसी तरह से मैं अलग स्ट्रिंग को भी इस तरह से ऐड करते करूँगी। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सो इस तरह से मैंने ये अटैच किया है। लाइक 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 देन अगेन 3, 4 करके मैं इसे बढ़ाई हूँ। ऑलमोस्ट ये डन हो गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो चलिए हम इसे देखते हैं डोर में लगा के ये कैसा लगता है। सो फाइनली मैंने इसे डोर पे लगा दिया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।